मशीन की सेमी ऑटोमेटिक वायरिंग बनाएंगे आप लोगों को। वायरिंग के अंदर में एक मोटर ले लेंगे वॉश की, एक स्पिन की, ठीक है, एक कैपेसिटर ले लेंगे जो वॉशिंग मशीन का हो, जिसके अंदर दो कैपेसिटर कंबाइंड हो, एक ज़्यादा MFD का एक कम MFD का, ठीक है। ये स्पिन टाइमर, ये वॉश टाइमर। अब हम इसकी वायरिंग बताते हैं आपको। हमारी मोटर के अंदर तीन तार होती हैं, एक न्यूट्रल, दो फेस। उसमें से एक हम जो फेस है उसको स्टार्टिंग बना देते हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन इस तरह से होंगे, जो हमारी स्पिन मोटर है, ये वाली स्पिन मोटर जो है, इसके जो फेस होते हैं दोनों, एक स्टार्टिंग बना देंगे, एक फेस बना देंगे, न्यूट्रल कॉमन रहती है, न्यूट्रल में ही रहेगी, ठीक। और जो हमारी वॉश मोटर है, वॉश के अंदर में हम दोनों ही आपका रनिंग बनाएंगे, फेस बनाएंगे, और दोनों ही स्टार्टिंग, वो दोनों ही एक दूसरे को डिवाइड करते रहते हैं अपने में। कोई पहले जो स्टार्टिंग बनेगा वो बाद में रनिंग हो जाएगा, और जो बाद में रनिंग बनेगा वो स्टार्टिंग हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। यहाँ पर हमारे कलर कोड के हिसाब से, इस मशीन के अंदर कलर कोड के हिसाब से दिया गया है, पर अगर आप दूसरा कैपेसिटर कोई लाकर उसमें ज्वाइंट करते हैं अलग से, तो उसके अंदर में भी कलर कोड के हिसाब से ही कैपेसिटर के ऊपर लिखा होगा कि 10 MFD ये दो तार हैं, और 4 MFD या 5 MFD या 6 MFD ये दो तार हैं, कलर कोड के हिसाब से ही लिखा होगा, ठीक है, अगर आप बाहर से परचेज करते हैं। हमने अपनी वॉश मोटर के दो वायर लिए, ठीक है, सीधा कैपेसिटर के अंदर जोड़ दिए। उसके बाद में वॉश टाइमर के दो वायर लिए, वो उन कैपेसिटर की वायर के साथ में कनेक्ट कर दिए, दोनों ही अलग अलग कनेक्ट कर दिए। क्यों? कैपेसिटर के जो चार तार हैं वो मोटर में चले जाएंगे, जो दो टाइमर में चले जाएंगे। मोटर में चार तार कहाँ बता तरीके से, एक ही जगह, दो मोटर के, दो कैपेसिटर के, फिर दो टाइमर के, पीछे तार हमारे एक ही जगह कनेक्ट होगा, ठीक। स्पिन मोटर का, स्पिन मोटर का भी हमारा क्या कनेक्शन होगा, एक वायर हम रनिंग में दे देंगे और एक वायर हम स्टार्टिंग में बना देंगे कैपेसिटर की। जो हमारी मेन वायर जा रही है टाइमर से, वो एक वायर उन दोनों रनिंग के तार में से किसी में भी एक में दे देंगे। अगर हमारा ड्रम सीधा घूम रहा है तो हम उसको वहीं लगा रहने देंगे, अगर हमारा ड्रम उल्टी साइड पर घूम रहा है तो हम उस तार को पहले तार से निकाल के दूसरे तार में हम शिफ्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम चलो, तार देखेंगे तो कहीं जुड़े हुए तो नहीं है ना, कहीं पता लगे यहाँ चालू से दोनों को चलाएंगे। पहले हम चलाते हैं वॉश की, ठीक है, वॉश मोटर की पहले हम चलाते हैं। ऑन करो उधर से, ये हमारा वॉश टाइमर है। सर वायर देखना, हाँ बिल्कुल, वॉश टाइमर। अब इसको हमने ऑन किया, ये टाइमिंग के हिसाब से होता, ऑन करते हैं हमारी मोटर चालू हो गई। अब ये स्टेप बाय स्टेप घूमेगी, दोनों साइड घूम रही है। इसी तरह से हमने अपने स्पिन के कनेक्शन करें, स्पिन मोटर के दोनों साइड घूम रही है। इसके अंदर में ऑफ करने के लिए, जब मोटर ऑफ होगी वो सिर्फ और सिर्फ टाइमर से ऑफ होगी, टाइमिंग पूरी होने के बाद। पर स्पिन के अंदर हमारा थोड़ा सा चेंजिंग है, ये हमारा स्पिन का टाइमर है, ठीक है। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं टाइमर को, तो हमारी मोटर ऑन नहीं होगी। हुई है मोटर ऑन? नहीं हुई ना, तो हम इसके लिए, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर स्विच, और इसको हम डोर स्विच भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाली थिम्बल से, नीचे वाली थिम्बल ऊपर वाली थिम्बल से कनेक्ट नहीं होगी, इसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी। काम गया सर,
इसका काम है जैसे कि हम कभी बीच में कपड़े निकालना या डालना या उसको बंद करने के लिए, तो हम उसका डोर उठा देते हैं, ये स्विच ऑफ हो जाता है। डोर बंद करने के बाद ऑटोमेटिक ये स्विच ऑन हो जाता है। अब ये देखिए, गेट खोलने पर लाइट जल जाती है, बंद हो जाती है, उसी तरीके से। जब तो उसको भी डोर स्विच बोला जाता है और इसको भी डोर स्विच बोला जाता है। सर, इसके जो मोटर के तार हैं, आपने इसको भी सेम कैपेसिटर में दिया हुआ है बदल के बाद, टाइमर के बाद? हाँ, जैसे उसके कैपेसिटर के और टाइमर के तार जुड़े हैं, चार सिंबल उसके हैं ना, तो इसके भी वो इसी में कैपेसिटर में जुड़े हैं, इसका कोई अलग कैपेसिटर है? इसके अंदर भी एक तार स्टार्टिंग बना दिया गया है कैपेसिटर से, और एक तार रनिंग बना दिया गया है कैपेसिटर से। वही चीज तो मैंने आपको बताया कि एक तार हम रनिंग बना देंगे, एक तार हम बना देंगे स्टार्टिंग, पर उसके अंदर अगर हमारा मोटर उल्टी साइड पर घूमती है तो हम उस तार को दूसरे तार में, रनिंग वाले को दूसरे तार में कैपेसिटर की दूसरी साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे, उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। राइट डायरेक्शन कौन सी है? दोनों साइड चेक करेंगे, राइट लेफ्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो सही घूम रही है? बिल्कुल सही घूम रही है। जिस दिशा में हमारा बदल घूम रहा है वो टाइमर घूमता है उस दिशा में घूमनी चाहिए, उस दिशा में। अगर यूं घूम रहा तो यूं घूमनी चाहिए, अगर यूं घूम रही है तो गलत है, गलत है, काम नहीं करेगी। काम करेगी, वो काम वही करेगी जो वो कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर में एक स्टार्टिंग हम बना रहे और एक बना रहे फेस, तो काम तो वो करेगी पर उल्टा घूमेगी। उल्टा घूमने पर वो स्पीड उसकी नहीं बचेगी, कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 खराब हो जाएगी मोटर। उससे मोटर पे लोड आएगा, मोटर पे बहुत ज्यादा लोड। जो डोर लॉक है, एक तो स्टार्टिंग में दे दिया आपने, मतलब डायरेक्ट स्विच, डायरेक्ट वायर जो है उसमें ही दे दिया, और दूसरी जो है वो कैपेसिटर में, टाइमर से। ये सारा स्पिन मोटर है, हाँ जी, ये दोनों साइड, मतलब ये समय एक करके घूमती है थोड़ा कम से, दोनों साइड में घूमती है एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों साइड घूमेगी, ये दोनों साइड इसलिए घूमेगी, अगर एक साइड घूमती रहेगी तो उसके अंदर जो भी पड़ी हुई चीज़ें, कपड़े जो भी हैं, वो घूमते घूमते एक ही साइड घूमते घूमते उन सब में एक दूसरों में गिरा लग जाएगी, वो फट भी सकते हैं क्योंकि एक ही साइड घूम रहे हैं। ये तो इसलिए जो स्पिन मोटर का बताना है ना, स्पिन मोटर तो एक साइड इसलिए घूमती है क्योंकि स्पिन मोटर एक साइड इसलिए घूमती है, उसके अंदर जो पानी होता है ना उसको सुखाने के लिए, सोखने के लिए। वो जब स्पीड हल्की स्पीड से चालू होती है, धीरे 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 उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि जो उसके अंदर पानी है ना, टब के अंदर में हमारा ये जो टब है, स्पिन टब, इसके अंदर में होल इसीलिए दिए गए होते हैं, इन होलों से वो पानी निकल के सब बाहर की तरफ आ जाता है जब भी हमारे कपड़े सूखते हैं, इसलिए एक साइड घूमती है। टेस्टिंग पर हमारी दोनों साइड घूमती है। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो दोनों साइड वाइज मतलब घूमाना है। हाँ जी सर, एक चीज़ पूछनी है, जो इसका ड्रम का साइज है, हाँ जी, केजी के हिसाब से होता है बिल्कुल, बट कभी को हमें, जैसे हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर भी इस्तेमाल करता है, केजी के हिसाब से कितने केजी में कितने कपड़े डालने हैं, क्योंकि कस्टमर मान लो है, मान लो 6 केजी की, और एक एग्जांपल के तौर पे 6 केजी मतलब 12 जोड़ी कपड़े, उसने उसमें 17 जोड़ी डाल दिए, 18 डाल दिए, 20 डाल दिए, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो केजी को हम किस तरीके से समझेंगे कितने केजी में कितने कपड़े डाल लें? अगर हमारी 6 केजी की कपड़े मशीन है ना, तो हम उसके अंदर 6 किलो कपड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम 6 किलो कपड़े डालेंगे ना तो पानी का भी तो वेट कहाँ जाएगा, वो ओवरवेट हो गया, या तो हमारी मोटर खराब होगी या गियर बक्सा खराब होगा, गियर बक्सा या तो उसकी गरारी स्लिप हो जाएंगी या फिर गियर बक्से के अंदर में पानी टपकने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर को खतरा हो सकता है, स्पिन को भी और वॉश को भी। तो इसलिए जो 6 केजी वेट दिया जाता है ना, वो पानी का और कपड़ों का दोनों का साथ में दिया जाता है। अब हम सोचते हैं कि चलो भाई 4 किलो पानी डाल दिया, 2 किलो कपड़े भी डाल दे, तो नाप के तो आप डालोगे नहीं, पानी तो उसमें 20-30 लीटर डालता है इकट्ठा एक साथ, 4-5 किलो तो मतलब नाप के तो आप डालोगे नहीं, है ना, तो उसके अनुसार 4 जोड़ी 5 जोड़ी जोड़ी के हिसाब से डाला जाता है। ये नहीं कि हम किलो का वेट कर लें, अगर किलो का वेट करेंगे तो हमेशा ही करते रह जाएंगे। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, जैसे बैकपैक आते हैं, मेरा बैकपैक 45 लीटर का है, इस 45 लीटर के बैकपैक में 1/3 वेट कैरी कर सकते हैं, यानी कि 15 किलो तक कैरी कर सकते हैं, तो कंपनी सजेस्ट करती है 15 किलो से कम आप जितना कर लोगे आपके वेट की लाइफ बढ़ जाएगी,
तो जो 6 किलो 6.5 किलो 8.5 किलो 9.5 किलो की मशीन आती है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे कि इसमें कितना ही कपड़ा डालना है, उससे ज्यादा डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी से ओवर हो जाएगा। अगर, पानी अगर, का तो वेट हम ले ही नहीं रहे, पानी तो कम से कम 40 से 50 लीटर एक दफा डलता ही डलता है। 40 से 50 लीटर किसमें डलता है? मतलब एक अमाउंट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बट 20 लीटर मान लो, 15 मान लो, पानी का तो वेट मशीन का जो कैपेसिटी है तो ऊपर ही चला गया। 8.5 किलो की मशीन है तो उसमें 8.5 लीटर तो पानी डलेगा नहीं, कम से कम 20 लीटर तो डलेगा, तो पानी का वेट तो ऑलरेडी ओवर हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कपड़ों की कैपेसिटी कैसे नापेंगे कि इतने कपड़े डालेंगे। कपड़ों की कैपेसिटी अगर आपकी 8 kg की है तो आप उसके अंदर में 6 से 7 जोड़ी कपड़े डाल सकते हैं, बस इसके ऊपर नहीं डाल सकते। उसके ऊपर तो कई लोगों को देखा है मैंने, कंबल भी धो देते हैं, ठीक है, कंबल धोने के बाद में रिपेयरिंग भी करानी पड़ती है उनको, तो वो आपकी चीज है, आपको किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि हम किसी मशीन चल रही थी, मैंने इसमें कपड़े धोए खराब हो गए, मोटर ठीक नहीं काम कर रही है, बड़ी बड़ी ओवरसी चीजें हम ये समझेंगे या तो ओवर यूज हो गई है, ज्यादा लोड डाल दिया मोटर पे, या और कोई परेशानी होगी, तो जब हम उसको मोटर को चेक करेंगे तो कस्टमर को समझाना भी तो पड़ेगा ना कि आपने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा इसलिए दिक्कत आई है, तो हम आगे से आप उसको इतना इतना इस्तेमाल करना, 10 kg की मशीन है तो आप इसके अंदर 7-8 जोड़ी कपड़े डालो। हम कस्टमर से, मैडम आपने यूज किस तरह से कराया आप, और अगर आपने इसको ओवर यूज करा है तो आप यूज में कपड़े थोड़ा कम कीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद उसको सर्विसिंग का भी पता कराएंगे कि कपड़े धोने के बाद आप उसकी सर्विसिंग कीजिए और रख दीजिए, क्योंकि अगर हम सर्विस नहीं करते हैं तो जो कपड़ों का गंद होता है ना वो मशीन के नीचे के हिस्से में रह जाता है, वो गेयर बॉक्स को भी काट सकता है, गेयर बॉक्स भी खराब कर सकता है, पल्सिलेटर भी जाम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम उसकी सर्विसिंग के लिए भी पता कराएंगे तो हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सर्विसिंग कोई हार्ड नहीं है। सर्विसिंग में एक भगोना पानी गर्म हर किसी के घर में भगोना होता है, पानी हर किसी के घर में, ठीक है, गैस चूल्हा हर किसी के घर में, तो वो हल्का सा आप बता दो कि एक भगोना गुनगुना पानी करके आप उसको डाल दो, थोड़ा सर्फ डाल के और 15 मिनट की टाइमिंग लगा के आप उसको चलने दो, उसके बाद में जो पानी चलेगा उसके अंदर झाग बनेगा उसको आप ड्रेन कर, मतलब कस्टमर कपड़े धोने के बाद नेक्स्ट टाइम जब कपड़े आप धो लो तो उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के गरम सर्फ डाल के ऐसे खाली चला दो, खाली चला दो और उसको ड्रेन का बीच उसको साफ करेगी, क्योंकि जो भी गंद है ना जो चिपक जाएगा सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा, बॉडी से चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं, वो उस वक्त छूट जाएगा, तो आप वहां पे उसको वो सजेस्ट कर जाओ। सर मेरा एक सवाल है कि वॉशिंग मशीन में फॉल्ट क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम है क्या? वॉशिंग मशीन में वायरिंग, चूहा वायरिंग काट देता है उसकी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मोटर भी खराब हो सकती है, मोटर शॉर्ट हो सकती है, मोटर बिल्कुल खराब हो सकती है, गल सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर में पल्सिलेटर की भी कमी आ सकती है, उसके अंदर में हमारा गियर बॉक्स की भी कमी आ सकती है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, जब आप जाओगे वहाँ पे फेस करोगे जब ही पता लगेगा। मेजर सब में ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है मोटर खराब होने, क्योंकि कस्टमर ओवरलोडिंग पे उसको चलाता है, लिया है तो यूज़ तो करना है, ओवरलोडिंग पे चलाता है तो उस वजह से ख़राब होनी होनी है मोटर। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो मोटर की आती है, और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइमर की, क्योंकि टाइमर को तो घुमाना ही है, तो जहाँ मर्जी घुमा के और चले जाते हैं, कभी कभी उनको कपड़े एक्स्ट्रा डालने होते हैं या कुछ करना होता है तो उसके अंदर में वो जो टाइमर चल रहा है उसी को वापसी घुमा के बंद कर देता है, पर उसकी फायदा नहीं। टाइमर और मोटर, टाइमर का जो टाइम आपने सेलेक्ट करा है उस टाइमिंग तक आप उसको चलने दें, अपने आप ऑटोमेटिक वो बंद होगा, जब भी टाइमर हमेशा के लिए सही रहेगा, नहीं तो आपने ऑन किया उसको ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, वो वैसे खराब नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा उसके अंदर, कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर जो करारियाँ है ना, जो पार्ट्स हैं वो पार्ट सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो वो घिस जाएंगे, पीछे लग जा रहा है यार। सर एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, अभी उन्होंने सवाल पूछा था कि जैकेलिंग कपड़े डालते हैं तो वो हीट कैसे होते हैं, सूखते कैसे हैं? वो हीट नहीं होते, क्योंकि स्पीड होती है ना, उस स्पीड से जो उनके अंदर पानी होता है वो सारा पानी निकल जाता है, इधर उधर छन जाता है,
जब पानी छल जाएगा और कोई चीज़ अगर हम पंखा भी लेते हैं, हाथ का पंखा जब हम चलाएंगे तो उसके अंदर हवा लगेगी ना, घुमाएंगे उसको, तो वही रोटेशन उसकी होती है। अगर सपोज दिस ये हमारा पंखा है, अगर हम इसको सप्लाई नहीं देंगे घुमाए चलेगा नहीं, ये घूमेगी नहीं पकड़ी इसकी, तो ये हवा देगा नहीं देगा ना, वही उसका है। जब वो घूमता है ना जिस स्पीड से, उस स्पीड में घूमने के बाद उसके अंदर में जब हवा लगती है तो कपड़े सूखते हैं। और कपड़े ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन से निकाला और पहन के चल दिए, उनको फिर भी धूप के अंदर फैलाना पड़ता है ताकि उनके अंदर पानी की स्मेल ना रहे। अच्छा सर, एक स्पिन मोटर का वॉश मोटर के मुकाबले में क्या फर्क है दोनों में? दोनों सिमिलर है, दोनों ही एक जैसा काम करेंगे। फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारी वायरिंग का है, फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नीचे शॉकर लगे हुए हैं, बुश लगे हुए हैं, उनके डिजाइन का जैसे इसमें लगे हुए शॉकर, ठीक है, स्पिन के अंदर शॉकर लगे होते हैं तो उस तरह की कटिंग भी होती है, वॉश के अंदर बुश लगे होते हैं तो उस तरह की कटिंग। तो मतलब ये है कहने का कि स्पिन मोटर हम जो देंगे वो शॉकर से देंगे, क्योंकि इसके अंदर में बेल्ट लगती है और इसके अंदर में सीधा पुली से स्क्रू टाइट हो जाता है, शाफ्ट आती है पुली के अंदर तो वहाँ स्क्रू टाइट हो जाता है। इसकी जो है हम हाइट जो देते हैं वो शॉकरों के हिसाब से देते हैं। वो शॉकर किस लिए लगाते हैं कि मोटर हमारी जाम न रहे, अगर हल्का फुल्का हमारा कपड़े डालने में बैलेंस आउट हो जाए तो वो कवर कर ले। इसमें पल्सिलेटर कौन सा है सर? पल्सिलेटर आपका ये है, ये पल्सिलेटर है, ये गेयर बॉक्स है, ये वॉश मोटर है। मोटर को कैसे पहचानेंगे हम? पता नहीं चलता, पुश कट गया वॉशिंग मशीन का, पुश कट जाता है स्पिन मोटर इसका, वॉश मोटर का पता नहीं चलता पुश कट गया इसका। इसके अंदर पहली बात तो पहले बुश आते थे, सर अब बेयरिंग पे दे दिए, क्योंकि बुशों में क्या दिक्कत आती थी, वो बुश चलते चलते ना कंटिन्यू चलते चलते उनका जो ऑयल था, जो ग्रीस था, वो सूख जाता था, सूख जाती है तो वो ऑटोमेटिक जाम हो जाती थी, चलेगी नहीं, तो वो सब में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए आप बेयरिंग पे मोटर, जो भी मोटर बन रही है वो बेयरिंग पे ही चलती है।